आप सभी अपने अपने घरों में तरह तरह की चीजें देखते होंगे, जैसे दोस्तों फैन चल रहा है, आपकी टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आपका सेलफोन है। और छोटे बच्चों में खासकर, कहने का मतलब जब हम कम एज में रहते हैं तो हमें स्पेस में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हम स्टार्स के बारे में जाने, प्लैनेट्स के बारे में जाने, टेलीस्कोप के बारे में जाने, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में जाने। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे अंदर एक इंटरेस्ट होता है साइंस को लेकर के, साइंस क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कैसे यूनिवर्स का दोस्तों फॉर्मेशन हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में स्ट्राइक करते हैं। आप रॉकेट को देखते हो तो आपके मन में एक महत्वाकांक्षा आती है, आपके मन में एक डिजायर आता है कि हम इसके बारे में जाने, यह चीज क्या है। अगर कोई मशीन बनी तो कैसे बनी। आप ट्रांसफार्मर को देखते हो, कोई भी चीज आप देखते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज आप देखते हो, कोई कुछ भी आप देखते हो, तो आपको लगता है ये चीजें कैसे बनी होंगी, किन किन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, क्या इसमें ऐसा है कि ये चीजें चल रही हैं। और आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में आप जाते हो, आप बहुत सारे लोगों को देखते हो चेयर पर बैठे होते हैं, उनके अंदर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी साइट्स पर आप जाते हो, देखते हो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, इंजीनियर्स उनको गाइड कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको लगता है कि ये कौन है, हम कैसे बन सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि दसवीं के बाद, हाँ दोस्तों, दसवीं के बाद इंजीनियर कैसे बने। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये जो चीजें हैं ये हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इनको ज्वाइन कर सकते हैं, हम कैसे इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आपको क्लास 9 से ही एक एम बनाना होगा कि नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे अपने जो भी सब्जेक्ट्स इसमें डिमांड किए जाते हैं उनको मुझे अच्छा करना है। लेकिन 9th में हम इतना सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, नई नई चीजें हमारे सामने होती हैं, एम हमारा उतना क्लियर नहीं होता। पर 10th के बाद ऐसा होता है कि हमें जब साइड चूज करनी होती है कि हम साइंस साइड चूज करेंगे, कॉमर्स चूज करेंगे, आर्ट्स चूज करेंगे, तब हमारा रोल बहुत अहम हो जाता है, तब हमारा योगदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए अगर आप 10वीं के बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको 11th में PCM लेना होगा। हाँ दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको PCM ग्रुप लेना होगा 11th में अपनी साइंस स्ट्रीम के साथ, PCB नहीं। हाँ दोस्तों, PCM ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं और जिस क्षेत्र में भी आपका मन करता है उस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आप जाते हो बड़े बड़े शोरूम में, देखते हो कार्स को, देखते हो बाइक्स को, देखते हो, आपके मन में डिजायर आ जाता है कि ये चीजें कैसे बनी होंगी, कौन इसको बनाता है। तो हाँ दोस्तों, यही काम इंजीनियर्स करते हैं। आज उन्हीं की देन है कि आप फ्लाईओवर्स देखते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हो, लिफ्ट्स देखते हो, बड़े बड़े चीजें आप देखते हो, बहुत आसानी से हो जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्रेन्स की मदद से, कैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम भारी से भारी चीज चुटकियों में उठा लेते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये सब इंजीनियरिंग का ही कमाल है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 10वीं के बाद इस क्षेत्र में जा सकते हैं और अपना एक सफल कैरियर बना सकते हैं। आप दोस्तों देखते हो, आप सुंदर पिचाई को देखते हो, गूगल आप सभी यूज करते हो, आप गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को देखते हो। बिल्कुल दोस्तों, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, अभी लोगों को देखते हो, आप भी सोचते हो कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, उस वो रास्ता कैसे जाता है यही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 11th में PCM लेना है, इसके बाद आपको 12th का एग्जाम देना है। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद आपका 11th 12th का एग्जाम होगा। अब आपका देखिए रोल क्या बढ़ जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अच्छी जल्दी सिलेक्शन आपको लेना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको चाहिए, तो आपको अपने 11th क्लास में ही आपका ये रोल हो जाता है कि आप बहुत डेडिकेटली स्टडी करें, PCM में अपना कमांड लाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अपना कमांड लाएं, ताकि आप इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्रैक कर पाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं उसके स्टेप क्या है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले दो लेवल की परीक्षा देनी होगी अगर आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाना चाहते हैं, जैसा कि आप इन लोगों को देख रहे हैं जिनका मैंने नाम लिया, सुंदर पिचाई या सत्या नडेला, जिनको आप देखते हो, जिनको आप अपना आदर्श बहुत सारे बच्चे मानते भी होंगे कि मैं इनके जैसा इंजीनियर बनूंगा, तो बिल्कुल दोस्तों, ये सभी IIT के एलुमिनीज हैं। बिल्कुल, इन्होंने दोस्तों IITs को ज्वाइन किया, इसके माध्यम से ये इतने टॉप लेवल पर पहुंचे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको जेई मेंस की परीक्षा देनी होगी। अब देखिए, जेई मेंस की परीक्षा आप समझ लीजिए क्या है। जेई को कहते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये दोस्तों, ये क्या करती है, एक संस्था है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है NTA के थ्रू। बिल्कुल दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत सरकार की एक ऑटोनॉमस एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। कुछ समय पहले तक इसको CBSE कंडक्ट कराता था, पर दोस्तों अब यह एग्जाम NTA कंडक्ट कराता है। यह साल में आप दो बार दे सकते हैं, इस एग्जाम को आप साल में दो बार दे सकते हैं। इसके माध्यम से आप दोस्तों BE, BTech,
बी बैचलर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बी बीटेक में और बी आर्क में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप NITs में, ट्रिपल ITs में और CFTIs में जा सकते हैं दोस्तों, जो कि सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। NITs आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे NITs के आपने नाम सुने होंगे, NIT इलाहाबाद, बिल्कुल दोस्तों बहुत इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। के लिए आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना होगा। दो बार ये एग्जाम होता है दोस्तों साल भर में, एक बार ये जैन में एग्जाम होता है, एक बार ये अप्रैल में एग्जाम होता है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 10+2 पास करना है साइंस स्ट्रीम से। हाँ दोस्तों, इसकी अपर अब एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आपको बस 10+2 पास होना है। हाँ, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अपीयरिंग में दे सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप इसको अपीयरिंग में भी दे सकते हो, आप इसको पास होने के बाद, 12th पास होने के बाद भी दे सकते हो। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 बार आप एग्जाम को दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम 1 साल में 2 बार होता है, इसलिए आप 6 अटेम्प्ट, कहने का मतलब 6 बार, 6 टाइम्स आप दे सकते हो 3 अटेम्प्ट। आप इस एग्जाम को 3 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर सकते हो। इसका एग्जामिनेशन मोड, ये दोस्तों जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। इसमें देखिए 2 पेपर होते हैं। पेपर 1, पहला जो पेपर होता है वो बी और बीटेक वालों के लिए होता है, जिसमें 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। +4 अगर आप सही करते हो तो आपको मिलेंगे, -1 अगर आप गलत करते हो तो आपको मिलेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, इसके माध्यम से आपको बी बीटेक में दोस्तों एडमिशन आपको मिलेगा अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हो। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जाना चाहते हो, बीआर करना चाहते हो, तो आपको पेपर 2 देना होगा। बी प्लान और बीआर के लिए जो पेपर होता है वो आपको देना होगा, उसका भी ड्यूरेशन दोस्तों सेम है, उसका भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे। आप उस पेपर को दे करके बीआर ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अगर आप जेईई मेंस को क्लियर करते हो, देखिए दोस्तों जेईई मेन एक पहला पड़ाव है, अगर आप इस पड़ाव को आगे बढ़ जाते हो, इस पड़ाव को आप पार कर लेते हो, तब आप अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो, जहां सबका सपना होता है, जहां एक साइंस स्टूडेंट को पहुंचना उसका सपना होता है कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करूं, मैं इस इंस्टीट्यूशन को पढ़ूं। चाहे दोस्तों मैं रहा हूं, आप भी अपने समय में हैं, तो आपका भी एक सपना है कि मैं IITs में जाऊं, क्योंकि दोस्तों ऐसा इन्वायरमेंट ही है, इंजीनियरिंग का मक्का भी इसको कहा जाता है, IITs को। लेकिन इसको करने के लिए आपको जेईई एडवांस की परीक्षा क्लियर करनी होगी। तो देखिए मैं आपको जेईई एडवांस के बारे में एक स्टेप बता दे रहा हूं कि जेईई एडवांस क्या है। जब आप जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद दोस्तों जो टॉप के लड़के होंगे, जो 2-2.5 लाख लड़के होंगे, वो एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपका परसेंटाइल आएगा, आपको पता चलेगा कि आपने जेईई मेंस क्लियर कर लिया है, फिर आप एडवांस का पेपर भरोगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एडवांस का पेपर साल में केवल 1 ही बार होता है, ये NITs, IITs, IIITs की तरह और जेईई मेंस की तरह ये 2 बार नहीं होता, ये केवल 1 बार ही होता है। आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, बिल्कुल दोस्तों 2 अटेम्प्ट यहां पर आपको मिलते हैं, आप 2 बार इस एग्जाम को दे सकते हो। इसका भी ड्यूरेशन 3-3 घंटे का होता है, इसका भी एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन ही है बिल्कुल। और इसकी कंडक्टिंग बॉडी दोस्तों NTA नहीं होती, ये IITs कंडक्ट कराती हैं रोटेशन पॉलिसी के बेसिस पे, कभी IIT मद्रास कराता है, कभी दोस्तों आपका IIT कानपुर कराता है। तो जितने भी IITs हैं, 23 IITs इंडिया में हैं, वो दोस्तों अल्टरनेटिव इसका इनका सबका चांस मिलता है, सबको सब पेपर को कंडक्ट कराते हैं। 2 पेपर आपको देने होते हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2, अगर आपको बी बीटेक मेडिसिन लेना है तो, और अगर आपको बी आर्क में जाना है तो पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3, जो कि पेपर 3 आपका आर्किटेक्चर का अलग से पेपर होता है एप्टीट्यूड का, जिसको दोस्तों AAT कहते हैं, बिल्कुल आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपको देना होगा अगर आप बी आर्क में जाना चाहते हो। इसकी कंडक्टिंग बॉडी IIT है। अब मैं आपको इस एग्जामिनेशन का पैटर्न बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपको जो पेपर देने हैं, सभी आपके पेपर जो होंगे IIT के लिए, वो 3-3 घंटे के पेपर होंगे। आपको पेपर 1 3 घंटे में देना है, आपको पेपर 2 3 घंटे में देना है, आपको पेपर 3 भी 3 घंटे में देना है। लेकिन खास बात यह है कि पेपर 1 और पेपर 2 आपको ऑनलाइन मोड में देना है, और इसमें केवल क्वेश्चन आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं, अदर किसी सब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पेपर 3 जो होता है, इसमें मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट, ये आपसे पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, जैसा कि आपने देखा कि जेईई मेंस में जो आपका पेपर होता है, इसमें दोस्तों आपका जो माइनस मार्किंग होता है वो फिक्स होता है -1, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। IIT में आपको अलग अलग मार्किंग अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मिलती है। मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर मार्किंग स्कीम इसकी, देखिए फिजिक्स के पेपर 1 में आपको -1, केमिस्ट्री में -2, मैथमेटिक्स में -1, इसी तरह से पेपर 2 में फिजिक्स में -1, केमिस्ट्री में -2 और मैथमेटिक्स में 0। तो निगेटिव मार्किंग यहां पर अलग हो जाती है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहां पर चेंज हो जाते हैं। फिजिक्स में आपको पहले पेपर में 5 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चंस, कुल टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल दोस्तों, और आपको 62 मार्क्स यहां से मिलते हैं। इसी तरह से आपका पेपर 2 होता है, जिसमें फिजिक्स में 6 क्वेश्चन,
केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 4 क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18। पेपर 1 और पेपर 2 में एक बात गौर करने वाली है कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम होते हैं, मार्क्स भी आपका सेम होता है, ड्यूरेशन भी आपका सेम होता है। बस दोस्तों बात वही है लेवल की, पेपर 1 और पेपर 2 देने के बाद अगर आपने आर्किटेक्चर नहीं अकेले अप्लाई नहीं किया है तो आप पेपर 1 पेपर 2 देने के बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट आएगी, इसके माध्यम से आपको किसी न किसी IIT में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको IIT में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो IIT के मार्क्स के दम पे आपको एडमिशन अपने हाथ देते हैं, इनके माध्यम से भी आप इस किसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। अगले पेपर की मैं बात कर लूं, पेपर 3 दोस्तों, जो बच्चे आर्किटेक्चर के लिए ऑप्ट करते हैं, जो आर्किटेक्चर को लेते हैं उनके लिए पेपर है। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चंस, ड्राइंग टेस्ट में 2 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 82 होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मार्क्स भी वही मिलेंगे, 120 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स, 200 मार्क्स का आपका दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट और 70 मार्क्स का आपका ड्राइंग का टेस्ट होता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, ड्राइंग बनाना होता है। लेकिन हाँ, इस पेपर की खास बात कि ये पेपर ऐसा होता है पूरे इंजीनियरिंग के एग्जाम में जो आपको ऑफलाइन मोड में होता है, कहने का मतलब पेन एंड पेपर मोड में होता है। इसके पहले आपका एडवांस का एग्जाम और मेंस का एग्जाम ऑफलाइन होता था, पर अब चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप एक कुशल इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर अपने डिजायर को आप पाना चाहते हैं, अगर जो आपने सोचा है उस क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो JEE मेंस और JEE एडवांस से अच्छा करियर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। और इंजीनियरिंग एग्जाम्स और भी स्टेट गवर्नमेंट्स कराते हैं, जैसे यूपी की गवर्नमेंट है, बंगाल की गवर्नमेंट है, गुजरात की गवर्नमेंट है, तो अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी होते हैं, उनके पैटर्न्स दोस्तों इसी तरह लगभग सेम होते हैं। कहने का मतलब नेशनल लेवल पर टॉप एग्जाम्स हैं, इनकी तैयारी अगर आप करते हैं तो स्टेट एग्जाम्स को आप बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिए और दोस्तों अपने हर उस दोस्त में शेयर कीजिए जो 10th का एग्जाम दे चुका है, जो 12वीं का एग्जाम दे चुका है। बिल्कुल दोस्तों, जिसका भी सपना एक इंजीनियर बनने का है उसमें वीडियो शेयर करिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।